तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है द बैनियन ट्री। तो ये जो ट्री होता है, ये एक बहुत बड़ा सा और पुराना सा ट्री होता है, जिसके बारे में ये स्टोरी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से, जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ देहरादून में रहता है, और उसके घर के पास एक पार्क है जिसमें एक बैनियन ट्री लगा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और वो अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठा करता है। उसे उस पेड़ की छाँव में बैठना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो सारे लोगों को वहाँ पर बैठकर ऑब्जर्व करता है कि लोग क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पर। लड़के का ग्रैंडफादर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा होता है, तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। इसलिए जो लड़का होता है वो खुद ही पेड़ पर अकेले चढ़ जाया करता है, और उसे ऐसा लगता है कि वो उस पेड़ का ओनर है, वो उस पेड़ का अकेला ओनर है। वहाँ पर रोज रोज जाने की वजह से जो लड़का होता है उसकी एक फ्रेंड भी बन जाती है, जो कि एक स्क्वेरल होती है। स्टार्टिंग में कुछ स्क्वेरल होती है वो उससे काफ़ी ज़्यादा डरती है, वो उसके पास आने से डरती है, लेकिन जो लड़का होता है वो धीरे धीरे जो ट्रस्ट होता है उसे बिल्ड कर लेता है। वो उस स्क्वेरल के लिए खाना लेकर आता है, कभी केक, कभी बिस्किट और कभी कुछ और। और स्क्वेरल धीरे धीरे डरते डरते उसके पास आती है, और उसके हाथ से धीरे धीरे से जो खाने की आइटम होती है वो लेती है, और फिर धीरे धीरे वो उसकी फ्रेंड बन जाती है। वो जो लड़का होता है वो पेड़ के नीचे बैठकर आराम से बुक्स भी पढ़ा करता है, और जिस दिन उसे बुक्स पढ़ने का मन नहीं होता तो वो लोगों को ऑब्जर्व करता है। एक बार की बात है, जो लड़का होता है वो वहाँ पर लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, और फिर उसकी नज़र पड़ती है एक मोंगूस और कोबरा की फाइट पर। जो वो ब्लैक कोबरा होता है वो कैक्टस के पेड़ के पीछे से निकलता है, और वो 6 फीट लंबा होता है, और जो मोंगूस होता है वो 3 फीट का होता है। जो वो कोबरा होता है वो अपने फन के साथ रेडी हो जाता है फाइट के लिए, और जो मोंगूस होता है वो भी अपनी जो पूंछ होती है उसे झाड़ लेता है, और वो भी रेडी हो जाता है। जो लड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है इस फाइट को देखने के लिए। वो देखता है कि जो मोंगूस होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। जो मोंगूस होता है वो कोबरा को ट्रिक करता है, वो एक अलग डायरेक्शन में जाने की एक्टिंग करता है, और जैसे ही कोबरा उसके पास आता है वो वैसे ही वहाँ से मूव हो जाता है अलग डायरेक्शन में, और फिर वो कोबरा को काट भी लेता है, और जिसकी वजह से जो कोबरा होता है उसकी पीठ पे से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। जो मोंगूस होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, और हर राउंड में वो जीत ही रहा होता है, और जो कोबरा होता है वो धीरे धीरे वीक पड़ रहा होता है हर राउंड के साथ। वहाँ पर जो ये फाइट है उसे देखने के लिए एक मैना और क्रो भी होते हैं, वो भी वहाँ पर उस फाइट को देख रहे होते हैं, और जो एक क्रो होता है वो इनकी फाइट के बीच में जाता है, लेकिन वो स्नेक बाइट का शिकार बन जाता है। जो कोबरा होता है वो उसे काट लेता है। फिर आखिर में जो लास्ट राउंड होता है उसमें भी जो मोंगूस होता है वो जीत जाता है, और वो कोबरा को मार देता है, और फिर वो उसे झाड़ियों के पीछे ले जाता है घसीटता हुआ। तो बस यही थी हमारी सी छोटी सी स्टोरी। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।